नाज़रीन, HBS न्यूज़ में खुश आमदीद। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते चलें। हैदराबाद से ज़ीशान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मौला इस्माइल जी गोट की रिहायशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिल्ली हैदराबाद लेडीज़ विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीना सज्जाद लगारी चौधरी मसीह बगा के खिलाफ सरापा एहतजाज, जबकि आला हुकाम से तहफ़ुज़ की अपील की। मीना सज्जाद लगारी है, मेरे बाप का नाम आरसीन मसीह है और मैं मुल्ला इस्माइल जी गोट में रहती हूँ कि लेडीज़ विंग में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ज़िला हैदराबाद देहात से हूँ। मेरा मुतालबा ये है कि चौधरी मसीह बग्गा ये जो है मुझे धमका रहा है काफ़ी अरसे से और मैं कानूनी कार्रवाई करती हूँ तो ये मुझे धमकियाँ देता है और पुलिस वालों को फोने करवाता है और उनको पैसों से कभी फ़ोनों से अपने उनको ख़रीद लेता है और मेरी बात को वहीं पे दबा दिया जाता है। वो ये कि मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है 4 महीने पहले, तो इसका जो दामाद है वो मेरा भाई है और ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है जिसमें से ये जो है आगे आगे हो के मेरे बाप की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। इसने बैंक में से अकाउंट में से ज्वाइंट अकाउंट है उसमें से इसने तकरीबन 24 लाख थे और वहाँ से इसने ये निकलवाए हैं मैनेजर के साथ मिलके, जबकि जब मैंने इस पे इशू उठाया तो मुझे धमकियाँ देने लग गए। मेरा भाई सादा सुदा है, इसने जो है धमका के उसको वरगला के ये सारी चीज़ें हथियाना चाह रहा है और ये यहाँ का नामी ग्रामी गुंडा है, पीपी को यूज़ करता है और पीपी के नाम पे ये धमकाता है, पीपी के नाम पे ये भत्ते लेता है, पीपी के नाम पे ये कब्जे करता है और लोगों को डराता है। गरीबों का खून चूस रखा है इस बंदे ने और इसने मिलके हमारे घर में जो 5 तोला सोना पड़ा हुआ था जो अब्बू के था वो इसने मिलके अपनी बेटी के साथ इसको भी अपने हाथ में कर लिया है। जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि ये कौन है, जबकि मैं एक लीगल हेयर हूँ अपने बाप की प्रॉपर्टी में से। मेरी आला कयादत से दरख्वास्त है कि भाई आप जो है इसको कंडम करें और ये आपके नाम को यूज़ करता है, इसको आप पार्टी में से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस ने बल्दिया थाने में मैंने कंप्लेंट एप्लीकेशन दी, उन्होंने एनसी काटने से मना कर दिया है कि हम इसकी एनसी नहीं काटेंगे। इसके वहाँ पे दोस्त यार या वहाँ के पुलिस वाले जो हैं इसके साथ मिले हुए हैं।